हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फिलिप्स एबिनेट का स्टिलाइज़र का रिव्यू, अनबॉक्सिंग शेयर करने जा रही हूँ, और इसे कैसे यूज़ करते हैं ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। और इसे यूज़ करके मुझे कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आज शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसा कि मैं अभी आप लोगों के सामने ही इसका अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, ये इस तरीके से पैक हो करके मुझे रिसीव हुआ था, और ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, शॉप से जाकर मैंने ऑर्डर नहीं किया था। और इस तरीके से इसके पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से ये पैक होकर आया है, और इसके साथ हमें ये देखिए ये बुकलेट वगैरह प्रोवाइड किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि ये जो मैंने दोबारा ऑर्डर किया है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो मैंने जो ऑर्डर किया था उसका जो ये लिड था वो बिल्कुल भी अच्छे से फिक्स नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैंने फ़र्स्ट वाले को रिटर्न कर दिया था, और उसके बाद मैंने सेकंड इसको रिटर्न करके मंगवाया है, सेम यही चीज़ मंगवाया है। तो जो सेकेंड प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ उसको उसका लिड बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़िक्स हो जा रहा था, वो सही था। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट टाइम जो मैंने रिसीव किया था उसका लिड बहुत ही बेकार था, वो फिक्स नहीं हो पा रहा था, वो हिल डुल रहा था, अच्छे से फिक्स नहीं हो रहा था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से ये इस तरीके से पैकेजिंग इसकी है, पैकेजिंग अच्छी रहती है, बट हो सकता है किसी ने यूज़ करके रिटर्न किया था फर्स्ट टाइम, तो वो मुझे रिसीव हो गया था, मगर फिर यही है कि मैंने उसको रिटर्न कर दिया था और उसके बाद फिर दोबारा ऑर्डर किया था। और ये उसमें तीन पार्ट में डिवाइड रहता है ये, और पहला नीचे में पानी डाला रहता है, बीच में बॉटल रहता है, और ऊपर में जो भी छोटे छोटे बच्चों के जो भी कुछ रहता है वो सब कुछ ऊपर में हमें डालना पड़ता है। अगर बॉटल नहीं रखना है, कुछ छोटे चीज़ों को स्टिलाइज करना है, तो इस पोर्शन को, बीच वाले पोर्शन को हम लोग हटा करके नीचे का पोर्शन लगा करके भी ऐसे भी कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसे कैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैं काफ़ी दिनों से, अभी 2-3 महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट, बस यही प्रॉब्लम था कि स्टार्टिंग में गलत तरीके से मुझे रिसीव हो गया था। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बच्चों की जो भी चीज़ें होती हैं, बॉटल है, बाउल है, स्पून है, या फिर जो भी बच्चों की फीडिंग की चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ हम लोग इसमें डालकर स्टरलाइज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये स्टरलाइज़ हो जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं इसे कैसे यूज़ कर रही हूँ, और इसे यूज़ किए हुए मुझे लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें लगभग 130 ml के आसपास इसमें वाटर डालना रहता है नीचे के वाले पोर्शन में, उसके बाद ये जो बीच का जो पोर्शन है इसे हमें फ़िक्स करना पड़ता है। और इस तरीके से जो भी देखिए नीचे पानी रहता है, उस तरह का ट्रे रहता है इसमें, और जिस तरीके से जो भी बने हुए हैं इसमें, हमें जितने भी आपके बॉटल हैं इस तरीके से हमें इसमें डाल देना रहता है। ये देखिए सारे बॉटल को इस तरीके से सरिया के आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कुछ है तो आप इसी में रख सकते हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमें ऊपर में रखनी रहती हैं। तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा मुझे ये, और एक बहुत जल्दी ही, काफ़ी टाइम नहीं लेता है, बहुत जल्दी स्टरलाइज़ कर देता है ये, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा। मतलब यह वीडियो मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं कर रही हूँ, ये मैंने को अपनी खुद की बजट से लिया है, तो ये मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी ये चीज़। स्टरलाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी एक दो स्टरलाइज़र चेक किया है, देखा है अपने रिलेटिव के यहाँ, बट मुझे ये वाला जो है स्टरलाइज़र बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी स्पेस है इसमें, हम लोग बॉटल के अलावा और भी बच्चों के जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ रख सकते हैं, और जो छोटे मोटे टॉयज़ वगैरह जो होते हैं वो भी मैं इसमें रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे मुँह में लेते हैं, खेलते हैं उससे, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी हम लोग स्टरलाइज़ कर सकते हैं इसमें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।